रामवीर जी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? आज आप मेरे पास आए हैं, बताइए आपका क्या क्वेरी है, क्या समस्या है आपको? सर जी, मेरा नाम रामवीर मिश्रा है, मैं बहुत परेशानी में हूँ। मैंने काम तो बहुत जगह किया, रहने वाला तो यूपी का हूँ मैं, काम छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात सब जगह काम किया। मैंने सब जगह काम किया, रहने वाला यूपी का हूँ। अब मैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से यूपी में आया हूँ, अब घर भी बना लिया यूपी में अपना, तो यहाँ भी मैंने कई धंधे किए, उसमें सफलता नहीं मिली। कौन कौन से धंधे किए आपने, कुछ बताएंगे? मैंने कई धंधे किए, यहाँ भी पानी पूरी का धंधा किया और एक बेल्ट की दुकान भी खोला था, वो भी फ्लॉप हो गई कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो एक ट्री भी ख़रीदा था, उसमें भी पैसा लगा के ख़रीदा, कोरोना की वजह से वो भी नहीं चल पाई। तो मैं कुछ क्या करूं समझ में नहीं आता, क्या धंधा करूं। कोरोना में मैं ट्री भी नहीं चला पाया। अच्छा, ऐसी प्रॉब्लम हो गई, और भी कई धंधे किए जो कि सक्सेस नहीं हो पाया। अच्छा अच्छा, तो ट्री मतलब जो ई रिक्शा की बात कर रहे हैं आप, वो आपने ख़रीदा होगा, वो आपका सफल नहीं हो पाया। ई रिक्शा, हाँ। अच्छा अच्छा, आपने ये जो बिजनेस स्टार्ट किया, किसी से आपने पहले पूछा था, किसी से आपने एडवाइस लिया कि आपने डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया था? कि जैसे आपने बताया कि पहले आपने जूस की दुकान खोला, वो भी आपकी फ्लॉप हो गई, आपका सारा पैसा नष्ट हो गया, फिर आपने वेल्डिंग की दुकान खोला, वो भी आपका बेकार हो गया। तो जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं, आप किसी से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? किसी से पूछा तो नहीं था, थोड़ा बहुत तो काम उससे आता था, उसमें मैंने किया, मगर वो है ना, ये कोरोना की वजह से चल नहीं पाया सही से। अच्छा अच्छा, देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहला तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आपने जूस की दुकान खोला, आपने जूस की दुकान, आपने किस किस का जूस बेचते थे आप? ये मौसमी का जूस बेचते थे और अनार का ही बेचते होंगे। अनार का ही बेचते थे। अच्छा, देखिए आप मौसमी का अनार का जूस बेचते हैं, और जैसा मैं आपको जानता हूँ कि आपने सस्ते मोहल्ले में, मतलब जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, वहाँ पर आपने जूस की दुकान खोला। अब आप एक बात बताइए कि अनार का जूस और मौसमी का जूस, अनार का जूस 60 रुपये गिलास होता है, 70 रुपये गिलास होता है, मौसमी का भी जूस आप देखोगे तो 40 रुपये गिलास, 50 रुपये गिलास होता है, तो आपका मौसमी का जूस ऐसी जगह पर कैसे चल सकता है जहाँ पर लोग उसे खरीद ना सकें? सबसे बड़ी गलती तो यह है कि अगर आप किसी से एडवाइस लेते तो जहाँ पर आपने जूस की दुकान खोला वहाँ पर आपको अनार की जगह, अगर आप गन्ने का जूस बेचते, अगर आप मैंगो का जूस बेचते, आम का जूस, तो आपका पक्का बिजनेस चलता। क्योंकि जहाँ पर हम बिजनेस खोलते हैं सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वहाँ के लोगों के पास पैसा है कि नहीं, वो आपका जूस पी सकते हैं कि नहीं। अनार का जूस होता है बड़े लोगों के लिए। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपको जो बिजनेस करना था, तो सबसे बड़ी आपने यही गलती किया कि अनार का जूस और मौसमी का हुआ या पाइनएप्पल का जूस हुआ, जो महंगे जूस आते हैं, वो हमें ये देखना चाहिए कि जिस कॉलोनी में आप खोलते हैं, जिस एरिया में, मार्केट में खोलते हैं, वहाँ पैसे वाले लोग हैं कि नहीं। आपको लगता है कि यहाँ पर गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पर आप सस्ते जूस जो आते हैं वो खोलना चाहिए आपको। जैसे कि आप मैंगो बेचिए, आम का जूस होता है, आप गन्ने का जूस बेचिए। दूसरा, आपने जो बिजनेस खोला वेल्डिंग की दुकान का, देखिए क्या है कि आपने बिजनेस कब खोला था? ये कोरोना काल में खोला था? हाँ, कोरोना जब लगा था, जब लगभग 2-3 महीना पहले ही खोल दिया था, जब कोरोना लगा था जब। तो देखो, आपने जो वेल्डिंग की शॉप खोला, वेल्डिंग की जो दुकान खोला, आप गेट बेचते होंगे, जंगले बना के बेचते होंगे, तो वो काम आपका बढ़िया है। लेकिन एक तो आपके यहाँ पर किस्मत ख़राब हो गई कि कोरोना लग गया, क्योंकि COVID-19 में तो आप जानते हैं कि पूरे देश को तो छोड़ो, पूरे संसार में ही समस्या उत्पन्न हो गई, और पूरे देश में बिजनेस सभी ठप हो गया है। तो आपका बिजनेस अगर ठप हो गया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आगे जाके आपकी वेल्डिंग की दुकान जरूर चलेगी। लेकिन आप याद रखें, वेल्डिंग की जो दुकान खोलें वो ऐसी जगह खोलें जहाँ पर लोगों का आवागमन होता हो, मार्केट की शॉप हो आपकी, या कोई गांव हो तो गांव के किनारे आपकी शॉप हो, जहाँ पर लोग जमा होते हों।
आप अगर दुकान को जंगल में जाके खोल लेंगे तो आप बताइए वहाँ पर कौन आपसे गेट खरीदने के लिए आएगा। तो जहाँ भी दुकान खोलें सोच समझ कर खोलें कि आपकी जो दुकान है वो शहर के बीचा बीच हो या गांव के आसपास हो जहाँ पर लोग हों। साथ ही साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आप दुकान खोल रहे हैं आप गेट कितने रुपये का बेचते हैं, आपके कॉम्पिटिटर मतलब आपके जो दूसरे दुकान वाले हैं वो उस गेट को कितने रुपये में बेचते हैं और कितनी पैसे आपको बचता है और कितना पैसा उनको बचता है। तो आप 2 रुपये उनसे सस्ता ही लें तो आपकी दुकान बिल्कुल चलेगी। इस तरह से आप दुकान चलाओगे तो आपकी दुकान कभी भी फ्लॉप नहीं होगी और हमेशा आपकी दुकान चलेगी। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने ई रिक्शा ख़रीदा जिसको आप टिर्री बोलते हैं अपनी भाषा में, तो COVID-19 के कारण हो क्या गया है कि जितने भी प्रकार के व्हीकल्स लोगों ने ख़रीदा अपने धंधे पानी के लिए सभी का नुकसान हुआ है, अकेले आपका ही नुकसान नहीं हुआ है। क्योंकि COVID-19 में तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलना ही बंद हो गया था, इसलिए आपकी टिर्री बंद हो गई। अब थोड़े दिन के बाद कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, फिर आप टिर्री चलाओ तो आपका बिजनेस चलेगा। सर कोई एडवाइस ऐसी दो जिससे मैं अब डोला फ्री का काम नहीं कर सकता, मैं एक जगह का काम करता हूँ, सवेरे काम पे जाऊँ सुबह शाम को वापस जाऊँ। अच्छा, कितना पैसा आपके पास लगाने के लिए कुछ आप बताइए उसके आधार पर। तो सारा ही खर्च हो गया है, अब तो कुछ नहीं है, यूँ 1500 से हो जाए तो हो जाए कोई ऐसी। अच्छा, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 500-1000 रुपये में कोई बिजनेस नहीं होता, लेकिन आपने क्वेश्चन मुझसे किया है तो एज अ बिजनेस एडवाइज़र होने के नाते मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा और वो बिजनेस आपका 100% चलेगा मार्केट में। क्योंकि जैसा व्यक्ति मुझसे एडवाइस मांगेगा मैं वैसा ही एडवाइस दूंगा। आपने बोला कि 500-1000 रुपये में कोई बिजनेस बताइए, तो मैं आपको बताता हूँ मात्र 100 रुपये में आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन वो बिजनेस आप ईमानदारी से और मन से करेंगे तो आप हमेशा सफल होंगे। और देखना छोटे से इंसान बड़ा बनता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो जूस का दुकान किया वो फ्लॉप हुआ, आपने इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा ख़रीदा वो फ्लॉप हुआ, वेल्डिंग की दुकान फ्लॉप हुई। अब जो मैं बिजनेस बता रहा हूँ वो आप कीजिए। आप कल से काम कीजिए जहाँ पर लोगों का आवागमन हो, जहाँ पर भीड़ भाड़ का एरिया हो, ऐसी जगह पर आप चाट की और पटाखे की दुकान खोल लीजिए, आप भेलपुरी लगा लीजिए। और आप जानते हैं पटाखे का बिजनेस, कहीं कहीं पटाखे को गोलगप्पे बोलते हैं, कहीं पर पानी पूरी बोलते हैं, तो आपका 100% चलेगा और गोलगप्पे बनाने में ज़्यादा खर्चा होगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो बिजनेस है पूरा 200-300 रुपये में बन जाएगा। आटा चाहिए थोड़ा सा और थोड़े से आटे में बहुत सारे गोलगप्पे बन जाएंगे। और पानी तो फ्री का होता ही, आप जानते हैं, पानी में थोड़ा सा मसाला मिलाएंगे और आपका पानी तैयार हो जाएगा। और आप शुरुआत अपने इसी बिजनेस से कीजिए और शायद ही हिंदुस्तान में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो गोलगप्पे ना खाए। हर व्यक्ति को गोलगप्पे पसंद होते हैं और वो आपके गोलगप्पे को ज़रूर खाएगा, बशर्ते कि आपके गोलगप्पे थोड़ा सा टेस्टी हो, आप अच्छा सा पानी बनाएं उसका और टेस्टी गोलगप्पे बनाएं और आपका बिजनेस 100% चलेगा। इसके अलावा आप चाट खोल सकते हैं, गोलगप्पे बेचिए साथ साथ में चाट बना के बेचिए। इसके अलावा आप भेलपुरी बना सकते हैं जिसको चिरवा बोला जाता है, तो आप ये वाला ऑप्शन आप चुन लीजिए, ये बिजनेस आप खड़ा कीजिए। क्योंकि आपके पास देखिए अभी पैसा नहीं है, मैं आपको चाहूँ तो बहुत बड़ा बिजनेस ही बता सकता हूँ लेकिन वो चलेगा नहीं क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है। आप इतने कम पैसों में सबसे जो सस्ता बिजनेस में है जिसमें बिल्कुल लागत की लगाने की ज़रूरत नहीं है वो मैंने आपको बता दिया, आप ये करें और मैं आपको गारंटी देता हूँ आप हमेशा ही सफल होंगे और आगे तक तरक्की करेंगे। फिर जब तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ समझ में तो आया, इसके अलावा कोई और एक आध धंधा और हो तो। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक बिजनेस और बता सकता हूँ जो कि 100% मार्केट में चलेगा और आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। आप एक काम कीजिए, आप चाय की और कॉफ़ी की शॉप खोल लीजिए। चाय तो बनाना आपको आता ही होगा, तो चाय एक ऐसा बिजनेस है कि हिंदुस्तान में हर व्यक्ति चाय पीना पसंद करता है और चाय का बिजनेस कभी भी फ्लॉप नहीं हो सकता, ये 12 महीने तक चलेगा, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो। व्यक्ति को चाय पीना पसंद होता है और हर व्यक्ति चाय पिएगा जरूर, चाहे मौसम कोई भी हो। तो आप एक काम कीजिए, चाय का बिजनेस भी खोल लीजिए। चाहो तो आप दोनों काम खोल सकते हो एक साथ, आप गोलगप्पे चाट का भी काम कर लीजिए और उसके साथ साथ चाय की शॉप भी खोल लीजिए। और अगर आपको नहीं अच्छा लगे
तो आप सिर्फ चाय की खोल सकते हैं या फिर आप गोलगप्पे की, भेलपुरी की या चाट की, ये बिजनेस आप कर सकते हैं और आपका बिजनेस 100% चलेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। कभी आपको पराजय का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप आज मेरे पास बिजनेस की एडवाइस लेने आए हो, इसलिए मेरा धर्म है, मेरा फ़र्ज है कि मैं आपको अच्छी एडवाइस दूँ। ये बिजनेस आपको कभी धोखा नहीं देगा और आप हमेशा सफल हो जाओगे। तो आप ये बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। ओके सर जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए, भगवान आपकी सहायता करेंगे। ओके सर, ओके सर, थैंक यू।